बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं बना रही हूँ लबे शेरी। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है दूध। दूध को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया और 3 चम्मच लिए, बड़े चम्मच लिए हैं मैंने कस्टर्ड के। बॉईल दूध में मैंने डाला है चीनी। चीनी मैंने डाली है 3 चम्मच और इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैंने कस्टर्ड को अच्छी तरह उसमें दूध डाल के उसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने उबलते दूध में इसको डाला है और इसको अच्छी तरह पका लिया है। आप इसको जितना अच्छी तरह पकाएंगे उतना क्रीमी बनेगा और मज़े का भी लगेगा, और आपने इसको ज़्यादा पकाना है और इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने सेवइयां को उबाल लिया है, वो मैंने पहले से उबाली हुई हैं, और पास मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर रख लिया और फ्रूट कट कर लिया। फ्रूट कट करने के बाद ये ठंडा हो गया और मैंने बॉल में कस्टर्ड को निकाला है। बॉल में कस्टर्ड को निकालने के बाद अब मैं इसमें फ्रूट डालती जाऊंगी। सबसे पहले मैंने इसमें डाली हैं सेवइयां। सेवइयां मैंने डाली हैं 3 चम्मच। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकती हैं जितनी आपको ज़रूरत है। मैंने 3 चम्मच लिए हैं, 3 चम्मच सेवइयां डाली हैं और इसको मिक्स कर लिए हैं। फिर मैंने लिए हैं मैंगो, एप्पल, बनाना और ग्रेप्स और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं। अब इसमें मैंने मैंगो डाला है। मैंगो मैंने एक लिया है, एक ही मैंने एप्पल लिया है। मैंगो एप्पल सबको मिक्स करते जाना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसको ठंडा करके, आप ओवरनाइट भी रख सकती हैं, और इसको ठंडा करके आपने सर्व करना है। यह बहुत सिंपल सी है और बहुत जल्दी फटाफट से बन जाती है। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ आपने इसको सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों में शेयर करना है। और अब मैंने डाले हैं इसमें ग्रेप्स और इसके बाद आलमंड डाले हैं, और किशमिश डाली है। किशमिश और आलमंड मेरे पास यही थे, मैंने यही डाले हैं। आपके पास अगर और भी ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप डाल सकते हैं, या आपकी चॉइस है। ये सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ मैंने बनाई है लबे शेरी, और ये आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।